जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। शादी कैसे कर सकता है ये, नौकरी करता है ना कमाता है, और फिर अल्लाह जाने वो लड़की कौन है जिससे आंख मटक्का चल रहा है इसका। लड़की तो अच्छी है बहुत, शेख साहब की बेटी है। आप क्या पहनोगे मौलवी साहब? ये तो तुम सोचो रुकैया बेगम, मैं तो बकरीद वाला जोड़ा पहनूंगा। बकरीद क्यों, छोटी ईद की बात क्यों नहीं करते? मुसलमान हूं बीबी, कुर्बानी में पहल करता हूं। कुर्बानी पर जा रहे हो? जब खुशी के साथ वहम शामिल हो जाए तो तैयार रहना चाहिए, कोई वक्त भी कुर्बानी का वक्त हो सकता है। वहम किस बात का? ऐसे ही, लेकिन अल्लाह के करम पे यकीन है इसलिए जम कर बैठा हूं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि इब्राहिम साहब ने खुद फोन क्यों नहीं किया। तो पैगाम तो भिजवा दिया था ना, यही तरीका होता है। और फिर जब बात बन जाएगी तो फोन करने या सुनने की जरूरत नहीं रहेगी, खुद ही पहुंच जाया करना, वो भी साथ चला जाया करेगा, दोनों का काम हो जाया करेगा, तुम्हारी मुलाकात हो जाया करेगी और उसका दीदार हो जाया करेगा। ये कभी नहीं होने दूंगी। 4 साल हमारी मंगनी रही और अब्बा का हुक्म था कि सुभान अल्लाह गली में से भी ना गुजरे। ये बदला ले रही हो या रिवायत की पासदारी कर रही हो? जो चाहे समझ ले। लेकिन रिवायत बुरी नहीं थी मौलवी साहब। अब्बा कहते थे मर्द का बच्चा मर्द बने, भंवरा ना बने। वो 4 साल कैसे गुजारे थे कभी पूछा मुझसे? पूछने से कोई वापस मिलते हैं वो 4 साल? चल गुजर गए, तुम वहां रह गए, हम यहां रह गए। हाँ, तुम्हारी लुबना से लड़ाई हुई है ना? अरे मेरी क्यों लड़ाई होगी लुबना से? तो फिर तुम्हें अचानक कैसे लगा कि तुम्हें फरा से मोहब्बत हो गई? लगा मतलब? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? छुपाऊंगा क्यों, और छुपाऊंगा क्या? तुम फरा से मोहब्बत नहीं करते। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मैं फरा से मोहब्बत नहीं करता? चलो फिर कैसे करता हूँ? लुबना से? अरे खुदा की बंदी, उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। जो मैंने अपनी आंखों से उसका फोन आते देखा, और एक फोन तो मैंने सुना भी था, और जो मैंने सुना था वो अच्छी तरह याद है मुझे। बुरी बात? ये बुरी बात नहीं कि बात तुम्हारी लुबना के साथ चल रही है और शादी तुम फरा से कर रहे हो। तौबा करो आरिफा, मैं ऐसा हूँ क्या? यही तो पता नहीं चलता कि असल में तुम हो कैसे। अच्छा चलो, हाथ रखो मेरे सर पे और कसम खाओ, बताओ फराई वो लड़की है ना जो तुम्हें खत लिखती थी? हाथ नहीं रखूंगा। देखा,
झूठ बोल रहे हो ना? सच बोलने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखूं। मैं बोल रहा हूँ ना, तो मान लो सच बोल रहा हूँ। अब खाना पकने पर भी तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, गरीबी मखलूक। प्लेटें अच्छी तरह से साफ करना, ठीक है? पानी ना उनमें। दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। चलो हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर फुर्सत नहीं रहेगी। कोई आ रहा है क्या? क्या पूछ रही हो मम्मी? तुम जरा ये देखो कि पूछ क्या रही है। तुम्हें नहीं मालूम कौन आ रहा है? या अल्लाह, मुझे क्या मालूम कौन आ रहा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? घर के नौकर भी घर वालों की तरह होते हैं, समझेंगे क्रिकेट की तरह रंग बदलती हो तुम। यही बातें करती जाएंगी या बताएंगी कि आ कौन रहा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फरा? फिर वही बात, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि किसकी खातिरदारी के लिए हो रहा है ये सब कुछ। या अल्लाह। अच्छा चलो तुम अभी फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ, उसका जवाब देने में इतनी कतरा क्यों नहीं आप? अब तुम्हें नाम बताऊं उसका? तो मैं उसका एड्रेस नहीं पूछ रही। फरा याद रखना, अगर तुम ऐसी बातें करती रहोगी ना तो मैं कोई चीज उठाकर अपने सर पर मार लूंगी। कौन आ रहा है? कोई आ रहा है क्या? किचन में जाकर देखो, 10 किस्म के खाने पक रहे हैं, नौकर मेट खानसामा सब काम में जुटे हुए हैं। कौन हो सकता है ये? तो तुम बताओ ना, अम्मी से पूछ पूछ के मर गई, वो तो बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अब्बा के कोई दोस्त होंगे? नहीं है वो अब्बा का दोस्त, हमारा कोई जानने वाला है। हमारा कोई जानने वाला आ रहा है और हमें ही नहीं पता? पता करो, जाओ लुकना वरना मेरा दिल बैठ जाएगा। मुझे मत भेजो, मुझे वहम हो रहा है। क्या वहम हो रहा है? तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। बुरी खबर की ऐसी की तैसी। अरे नहीं नहीं, वो नहीं आ सकता, उसे तो तुमने मना कर दिया था। तो तुम भी यही सोच रही हो? सोच नहीं रही, ऐसे बस ख्याल आया कि शायद तुम इसी बात से डर रही हो। इतनी जरूरत करके तो दिखाए, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मौलवी साहब आ गए तो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मुलाजिम है तुम्हारा, तुम तनख्वाह देती हो उसको, और मुआहदे की रूह से मुआहदा अब नहीं रहा, नौकरी भी नहीं रही। मैंने उसे SMS करके कह दिया था कि नौकरी अब खत्म, लुकदा से मिलो और अपना चेक वसूल कर लो। उसकी बातों में मौली साहब क्या नहीं गुंजाइश ही नहीं रहती? हाँ खामोखा डर रही हूं मैं, वो क्यों आएगा? मौलवी साहब क्यों आएंगे? वहां से कोई आएगा ही क्यों? तो फिर कौन आ रहा है?
तो हमारी खुशकिस्मती है भाभी साहिबा कि हमारी बेटी ऐसे अच्छे घर में जाए। आपको तो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि वो अफजल के अलावा कुछ सोच रही है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वो हजाम की दुकान पर जा रहा हूं। अच्छा, वो पीले रंग का जोड़ा नजर आया तो लगा के तुम पर जचेगा। शुक्रिया। तुम्हारे शुक्रिये में मोहब्बत कम और शुक्रिया ज्यादा लग रहा है मुझे। मुझे भी रात की दावत में जाना कम और वापसी ज्यादा लग रही है। थम के रहो रुकैया बेगम, शगुन वाले दिन अनाप शनाप बोल रही हो। इस्तखारा करके देख लीजिए। इस्तखारा कर लिया है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बैठिए दो मिनट। लो बैठ गए। रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है, यहाँ तो लड़की बदल गई है। क्या? ये वो लड़की नहीं है जो खत लिखती थी। अच्छा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फजर में जोहर की नमाज पढ़ो तो फर्क पड़ता है। खुदा का खौफ करो रुकैया बेगम, कहाँ का टांका कहाँ जोड़ रही हो। खुदा का खौफ तो आप पर भी वाजिब है। अच्छा कहकर अब मोहब्बत को बेमजहब तो न कीजिए। यहाँ भी वही शर्त लागू होती है, जिससे मोहब्बत करोगे उसी से निभाओगे, वरना काफिर करार पाओगे। पूछिए जाकर, अगर प्यार वाली और शगुन वाली में फर्क है तो कह दीजिए। तुम पर तुम्हारी माँ का फतवा है, अब तुम मुसलमानों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। खुदा की पना, अम्मी तो अम्मी, कोई मेड भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जब सकीना माई से पूछा तो पता है कैसे घूर कर देखा उसने, जैसे मैंने कोई बेशर्मी की बात कर दी हो। दाल में कुछ काला है। अफजल को फोन लगाओ। सो सिंपल, पहले क्यों नहीं सोचा तुमने, अपना फोन दो। वहां पड़ा है। अरे तुम दोनों तो ऐसे बैठी हो जैसे सचमुच तुम्हें कुछ खबर नहीं है। देखो बेटा, ये शादी ब्याह जरा सीरियस मामला होता है, लड़की वालों को बहुत रख रखाव दिखाना पड़ता है। किसको दिखाना है? तुम तो चुप ही रहो, मजाल है जो मुझे भी खबर हो कि तुम्हारी कौन सी कल सीधी है। और तुमसे तो मैं उनके जाने के बाद ही निपटूंगी। किसके जाने के बाद? थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। कपड़े क्या पहन रही हो तुम दोनों? कपड़े? अच्छा खैर, जो जी में आए तुम पहनो, अभी 6 बज रहे हैं। जी। पूरे 8:30 बजे तुम दोनों को तैयार होना चाहिए। तैयार होके क्या करना है? तुम तो नीचे आ जाओगी फौरन, और ये तब आएगी जब इसे बुलाया जाएगा। और याद रखना, आवाज पड़ने से पहले कोई तुम्हारी आवाज सुने ना ही तुम्हारी सूरत देखे। सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। और नीचे आओ तो नजरें भी नीचे रखना। 2 सवाल पूछे तो 1 का जवाब देना, और जवाब देते हुए पता चले कि तुम शर्मा रही। और हाँ, तीसरा कलमा तो तुम्हें याद नहीं होगा। याद है अम्मी। अच्छा पूछे ना तो सुना देना, तुम्हारे अब्बा की इज्जत बढ़ेगी।
तीसरा कलमा सुनाओ। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين। फिर ट्राई करो, करती रहो। जब तक वो कमीना फोन नहीं उठाता, बात नहीं कर लेता, करती रहना प्लीज। तो पता चल गया ना कौन आ रहा है। आरफा से पूछो, करो ना फोन, वो नमाज पढ़ रही होगी। कहाँ जा रही हो? मैं भी नमाज पढ़ने लगी हूँ। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ूंगी, 12 नफिल भी पढ़ूंगी, फिर देखना क्या होता है। क्या होगा? जल कर भस्म हो जाएगा कमीना। السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام حينا ربنا بالسلام ادخلنا اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب। सुनो बेटा जी, वो अम्मी से कहना कि वो पीला जोड़ा पहनकर तैयार हो जाए, मैं इशा की नमाज पढ़ाते ही निकल आऊंगा। जी अब्बा। और हाँ सुनो, उसे ये भी कहना कि जो मसला उसने बयान किया था उसका जवाब पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब वहम करने की जरूरत नहीं है। पता चल गया कौन आ रहा है? जी। वैसे उस नौटंकी की वजह तो बताओ मुझे। नौटंकी? इधर आओ। बोलो, सच्ची बताओ मम्मी, कोई गड़बड़ घोटाला है? गड़बड़ घोटाला क्या? मुंबई में बोलते हैं, तुम यहाँ क्यों बोल रही हो? ऐसी मौके पर बोलते हैं ना। लड़की जब इरादा बदल रही हो, अब पता ही ना चले कि इरादा क्यों बदल रही है। क्या बक रही हो? आपको तो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि वो अफजल के अलावा कुछ सोच रही है। अफजल के अलावा कौन? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन शायद उसे लग रहा है कि अफजल भी ठीक चॉइस नहीं है।
कौन सी नमाज पढ़ रही हो? इशा की। वो जो बारह नफिल कहते हैं वो भी पढ़ लिए? वो तो कब की पढ़ चुकी। चलो फिर जल्दी से तैयार होकर बैठ जाओ, वो लोग आने वाले हैं और तुम्हें आवाज कभी भी पड़ सकती है। उनकी ऐसी की तैसी, ये बारह नफिल और दो नमाजें काम नहीं आएंगी क्या? काम तो आ जाती, लेकिन सोचो तुम ये नमाजें आजमा किसके खिलाफ रही हो, जो पांच वक्त की पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। बस तुम्हें थोड़ा सवाब मिल जाएगा और नफिल बाद में किसी काम आ जाएंगे। मम्मी को बताया नहीं तुमने? अरे बता तो दिया, वो तो सुनकर इतना खुश हुई कि बस पूछे ही मत। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर क्यों तैयार हो जाऊं? अब्बा भी आ गए हैं ना। अब्बा की फिक्र मत करो, अम्मी यूं चुटकी में समझा देगी उन्हें। अगर अब्बा भी समझ गए ना फरा, तो बहुत मार पड़ेगी। किसको? ये ना पूछो किसको, पूछो किस किस को। आफियत इसी में है कि आधे घंटे में जैसे जैसे तैयार हो सकती हो जाओ, वरना अम्मी जबान से करने वाली सारी बातें हाथ से कर रही हैं। क्या मतलब? देखो मैं तो पहले भी दो चार थप्पड़ खा चुकी हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम तो आज तक इस तबर्रुक से महरूम हो, एक थप्पड़ से ही जान निकल जाएगी तुम्हारी। और अम्मी के इरादों से लगता है वो एक नहीं मारेंगी, मार मार कर भुड़कस निकाल देंगी। बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो आ गए। आपने तो मेरा रुतबा बढ़ा दिया। मैं तो बस माँ की तरह सोचती थी कि मेरा बेटा शहजादा है, आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है भाभी साहिबा कि हमारी बेटी ऐसे अच्छे घर में जाए। वापस जाकर देखेंगे अपने घर को और ये भी देखेंगे कि अच्छा है सचमुच। अंदर आइए ना। आइए बेटा, आइए। ये फरा का कमरा है ना? हाँ। कहाँ है वो? तैयार हो रही है, तुम आओ मेरे साथ। रिश्ते के लिए आया ना? नहीं नहीं, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुम्हारे घर वालों से मिलते जाए। अरे नहीं, वैसे मुझे सब पता है, बस पूछ रही हूँ तैयारी करके आए हो ना? हाँ तैयारी करके आए होंगे, अब्बा किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना प्लीज, आओ। लेकिन उस लड़की का क्या होगा जो अफसर को खत लिखती थी? क्या मतलब? अरे तुम्ही ने तो बताया था कि अफसर किसी लड़की से मोहब्बत करता है और बड़ी खतों किताबें चलती है दोनों के बीच। याद नहीं जब मैंने तुमसे कहा कि आजकल भी खत लिखते हैं लोग, और तुमने कहा क्या वो फरा नहीं है? फरा? फरा खत लिखेगी? पागल हो गई हो तुम, वो लिखती नहीं बेवकूफ, टाइप करती है, ज्यादा से ज्यादा एक SMS। लेकिन अभी तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? मेरे अम्मी अब्बा तुम्हारे घर आए थे, आज अप्रैल फूल है क्या? उनसे कहो कि हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो गए। पता है आज बहुत सालों बाद मेरी अम्मी ने पीला जोड़ा पहना, सिलवाया तो बोली ये रंग मुझ पे कहां जचेगा। अब्बा ने कहा जचेगा, पहन के। और अब्बा की तो सुनो, जुम्मे के अलावा कभी हजाम के पास नहीं जाती, आज तो इतवार है ना, आज भी चले गए। गए तो होंठों पर मुस्कुराहट रखी थी, वापस आए तो चहक रहे थे। तुम क्या कह रही थी? नहीं कुछ नहीं। तो वो लड़की फरा नहीं है? क्या मैं फरा से बात कर सकती हूँ? श्योर। वो नीचे बुला रहे हैं आपको। उनसे कम 10 मिनट में आ रहे? नहीं, उन्होंने बोला है कि अभी आ जाए। अभी जाना पड़ेगा, चलो।
सुभान अल्लाह मौलवी साहब, अंगूठी तो ढूंढ कर लाए हैं आप। इससे भी तो पूछो इसे पसंद आई। पसंद आई? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, कोई ढंग के कपड़े पहन लो। कोई मंसूबा बंदी करने की जरूरत नहीं है, बाजी इस तरह पलट चुकी है कि उसके प्यादे के हाथों तुम्हारा बादशाह मर जाएगा। इसलिए प्लीज आज के दिन अपनी हार मान लो, शादी कर लो उससे। शादी नहीं, मंगनी। मंगनी तो टूट भी सकती है, लेकिन आज के दिन इतने सारे दिल तोड़ने का रिस्क मत लेना। आपकी भाभी से छुपाकर सोने की अंगूठी लाया हूं, अगर आप इजाजत दें तो खाने के बाद पहना दूं उसे। जैसे आपकी खुशी मौलवी साहब। शुक्रिया। एक मेहरबानी आप और कीजिएगा मुझ पर। जी फरमाइए। उसके आने तक एक दो दफा चुटकी काट लीजिएगा मुझे। अरे भाई ईर्षा, मौलवी साहब फरा के लिए अंगूठी लेकर आए हैं। फरमा रहे हैं कि खाने के बाद पहना दी जाए। जी जी, जैसे इनका हुक्म। तो फिर खाने के बाद क्यों, खाने से पहले क्यों नहीं? जैसे आपका हुक्म। जाओ बेटा ले आओ उसे। जी। मैंने सोचा खामखा दोनों को एक दूसरे से छुपा रखा है, मंगनी हो जाएगी तो साथ बैठकर डिनर करने का बहाना मिल जाएगा दोनों को। बुलाने आई हो? हाँ। चलो ऐसे जाओगी तो क्या डोली में बैठकर जाऊंगी? खुदा के वास्ते भरा, कुछ शगुन के हिसाब से ही पहन लो। ये जो कपड़े मैंने पहन रखे हैं ना, उनके अच्छे वाले कपड़ों से अच्छे हैं। चलो, 4 घंटे से आवाज पढ़ने का इंतजार कर रही हूँ। मोहब्बत में ज्यादा शरई पाबंदियां नहीं होती। ये है हमारी फरा। जी। माशाल्लाह। चश्मे मकदूर। शेख साहब, मैंने आपसे कहा भी था कि मुझे चुटकी काट लीजिएगा, मगर आप भूल गए। ऐसे कैसे बैठो? पहले मुझसे गले तो मिलो। गौर से देखिए मौलवी साहब, आज मेरा अफजल सबसे अफजल हो गया। अब देर न करो रुकैया, इससे पहले कि मैं नींद से जाग जाऊं मेरी बेटी को ये अंगूठी पहना।
आओ बैठो, अब हमसे और इंतजार नहीं होगा। सुभान अल्लाह मौलवी साहब, अंगूठी तो ढूंढ कर लाए हैं आप। इससे भी तो पूछो इसे पसंद आई। पसंद आई? शर्मा रही है शायद। नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूं। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसी कोई मंगनी या नहीं होने वाली जिसको लेकर आप लोग खुश खुश हो जाएं। ये सब इसकी वजह से हुआ है। वो क्या है कि मेहताब नाम के एक लड़के से मेरी शादी होने वाली थी और मेहताब सख्त नापसंद था मुझे। मैंने सोचा अब्बा से बात करूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। उस वक्त अब्बा को बहुत पसंद था वो, इसीलिए मैंने किसी दूसरे लड़के से मोहब्बत का ढूंढना चाहा। जल्दी में ये मिल गया मुझे, इसलिए इसके साथ 8 लाख की डील तय कर ली। वो डील अब खत्म हो चुकी है। मैंने इसे मना भी किया था कि अपने अम्मी अब्बू को लेकर ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों बिना पूछे बिना बताए वो आप लोगों को यहां ले आया। मैं जानती हूं मेरी जरा सी बेवकूफी मुझे यहां तक ले आई, लेकिन आप लोगों को यहां बुलाकर इनकार करने का नहीं सोचा था मैंने। अब आप ही बताओ मैं क्या करती, और खुदा की कसम आपके अफजल को तो ठीक से जानती तक नहीं हूं। माफ कीजिएगा, पहले दर्जे का कोई फ्रॉड आदमी है। सब कुछ तय हो जाने के बाद इसने जो गेम खेली है ना, उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसको। मंगनी तो दूर की बात, मैं तो इसकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं। तुमसे बस एक गिला है बेटा, तुमसे नहीं कहा था कि चुटकी काट देना। चलो भाई रुकैया, भाभी से कह देना कि इस हाल में खाना नहीं खाया जाएगा। चलो रहने दो बेटा, कम रोशनी अच्छी लग रही है। आज की रात एक दूसरे की शक्लें मत देखो, सबकी आंखों में सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं है।
आपने तो उससे ये भी नहीं पूछा कि वो जा कहाँ रहा है। अरे जाएगा कहाँ बेचारा, तुम्हारे सवालों के जवाब हैं उसके पास, तुमसे छुपता फिर रहा है। सोच रहा होगा कि अम्मी अब्बा सो जाए तो फिर जाऊंगा वापस। हमें कोई नींद आएगी आज? उसका बंदोबस्त कर लिया है मैंने। पहले उसकी दुल्हन के लिए अंगूठी खरीदी, फिर अपने लिए नींद की गोलियां। आपको मालूम था? अरे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन ये तो मालूम था ना कि खुशी से नींद कहाँ आएगी हमें। ये लो, एक तुम खा लो, एक मुझे खिला दो। मैं तो कभी ना खाऊं, बैठी रहूंगी और तड़पती रहूंगी रात भर। अच्छा ठीक है, फिर फजर के वक्त मुझे जगा देना। गम से भागोगे ना मौलवी साहब तो सुबह दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अरे सुबह देख लेंगे, बिन बुलाया आया है तो उसकी मर्जी से मुलाकात नहीं होगी, अपनी सहूलत से मिलूंगा। हाँ ईमान कमजोर है आपका। नहीं दिल कमजोर है मेरा। एक बात तो बता दो, जिसको सुनकर लगे तुम मुझे दोस्त समझते हो। बताऊंगा कुछ नहीं, लेकिन आज उसके सारे खत जला दूंगा। छोड़ गई, चल यार ये ले। सुट्टा लगा, गम को मिटा और तू भी छोड़ दे उसको। देख सिगरेट नहीं पीना, जो किसी बेवफा के लिए मरे वो आदमी नहीं कुत्ता है। अम्मी अब्बा की बहुत इंसल्ट हुई है यार, उसका क्या करूं? वो भी गए थे वहां तो अम्मी अब्बा से माफी मांग ले। फिर माफी? अब्बा से हर दूसरे दिन माफी मांगता हूँ बस। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तेरी ड्यूटी है कि तू उनसे माफी मांगे और उनकी ड्यूटी है कि तुझे माफ कर दें। क्या है कि जो माँ बाप होते हैं ना, ये बुजुर्गी में खुदा वाले काम पे लग जाते हैं। वो भी तो यही करता है, मखलूक खुदा गलतियां करती है और वो उन्हें माफ कर देता। अम्मी समझती है मैं सबसे अफजल, लेकिन आज पता चला है कि मैं सबसे घटिया। वो सोई नहीं होगी? तू घर में पैर रखे जा तो सो जाएंगे। गुस्सा नहीं करेंगी? ये नहीं पूछेंगी कि तुम अपने अब्बा को लेके वहां गए ही क्यों? क्यों लेकर गए थे, मालूम नहीं था इनकार हो जाएगा? लेकिन मैं क्या करता साजू, दिल अगर बेवफाई करे तो बेवफाई करनी पड़ती है। अम्मी अब्बा ना जाते तो बात ना होती, और अगर बात ना होती तो ये कैसे पता चलता कि उसके सारे खत झूठे हैं? इनकार किसने किया, उसने या उसके अम्मी अब्बा ने? उसने। तो वो सारे खत क्या इमने ठीक करने के लिए लिखती थी? सीधी तरह बोलो कि वो बेवफा निकली है। बेवफा तो नहीं हो सकती, वो लड़की हफ्ते में 2 बार खत लिखती है, बेवफा कैसे हो सकती है? समझ गया, उसके माँ बाप नहीं माने होंगे और फिर हाथ जोड़कर मिन्नत करके अपने माँ बाप होने का वास्ता देकर उसको भी मना लिया होगा। इसमें कोई बेवफाई वाली बात नहीं है, लड़की जब अपने माँ बाप की बात मान लेती है तो इनकार ही करती है प्यारे, और ये कोई नई बात भी नहीं है।
50% से ज्यादा मोहब्बतें माँ बाप के हाथ जोड़ने पे टूट जाती हैं। लेकिन मुझे सुन के अच्छा लगा। सीधी बात है अफजल, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना करे वो तेरी इज्जत का क्या करेगी? वो शट अप यार, उस लड़की को अगर अपने माँ बाप की इज्जत का इतना ही ख्याल था तो मोहब्बत करते हुए अपनी अम्मा से पूछ लेती कि कर लूं। यार इस तरह का कैरेक्टर्स बाद में ही क्यों याद आते हैं? चल तू भी भूल जा, मोहब्बत की चिता जला और राग गंगा में बहा दे। जमुना की तरफ देख। जमुना कौन है? अबे साले, गंगा के आगे जमुना है तो जमुना के आगे भी तो कोई होगी। हैदराबाद में और किसी को खत लिखना नहीं आता। और तू भी खत वाली कंटिन्यूटी से बाहर निकल, SMS ट्राई कर। ओ यार दुनिया फास्ट हो गई है, अपनी मोहब्बत को भी फास्ट कर, किसी और से बात कर। चल रो रहा है साला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गम देती हो, इंसल्ट करती हो, हत्ता के दिल भी तोड़ देती हो और फिर जागती भी रहती हो। अरे खुश थी बहुत, और इस बात से ज्यादा खुश थी कि इस बार मैंने कोई बेवकूफी नहीं की, चुटकी में काम तमाम कर दिया उसने। मैं जा रहा हूँ अब्बा। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके